हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतर स्टडी आपकी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टेट के बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे, उसी क्वेश्चन को अपन आगे कुछ देखेंगे और इसके बाद अगर टाइम बचा तो इलेक्ट्रोस्टेट करेंगे। अच्छा लगा, न्यूमेरिकल्स जितना अच्छा आप बेहतर देखेंगे और करेंगे तो उतना अच्छा कंसेप्ट थ्योरी का अपने आप आ जाता है। बाय द वे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन हमारे पास ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स स्पीड, है ना। हमको टाइम पीरियड निकालना है, स्पीड निकालना। हम देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर सर्कल है और यहाँ जो है इसका रेडियस r है, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q और मास है m, है ना, और यहाँ है माइनस q चार्ज और ये सर्कल पर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो हमें निकालना है कि इसका स्पीड क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो यहाँ एक इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q और मास कितना है m। अभी सर्कल पर मूव कर रहा है, जब ये सर्कल पर मूव कर रहा है उस केस में इसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, साथ ही साथ स्पीड निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो हमें निकालना है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टाइम पीरियड होता क्या है, ठीक है ना। तो पढ़े होगे आप लोग, है ना, 11th में, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टिकल है ना, और कहीं ए पॉइंट से चलना शुरू किया, मान लो यहाँ ले लेते हैं ए पॉइंट, है ना, ए पॉइंट चलना शुरू, और इस सर्कल को ऐसे कंप्लीट करते हुए ये फिर ए पॉइंट पर आ गया, ए से चला था और ए पर आ गया, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, कहेंगे कि वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, और यहां से यहां तक कह सकते हैं वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वही कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो यहां से जिसे यहां चला ए से और फिर ए पर पहुंच गया, तो जितना टाइम टेक किया दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसका टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है, और स्पीड कैसे निकालेंगे ये दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ जो है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अगर देखो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कल पर मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, तो हम लिखेंगे फॉर सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, एफ सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये चार्ज निगेटिव है सेंटर पर इसके, और यहाँ चार्ज क्या है पॉजिटिव, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा और यही इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमारे सेंट्रिपिटल फोर्स हमें पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो, के क्यू क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। सेंट्रिपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, पढ़े होगे, जो नहीं जानते हैं अभी ध्यान रखो, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे सेंट्रिपिटल फोर्स में, बट अभी ध्यान रखना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जहाँ भी यूज होगा उसका वैल्यू जो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा के क्यू, हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वन के पोजिशन पर क्यू है, क्यू टू के पोजिशन पर कैपिटल क्यू है, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ए आर और ए आर तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बचा एम वी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। तो यहां से वी स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हैं के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू आर, एम इधर जाएगा, है ना, तो आ जाएगा एम इंटू आर। तो वी का वैल्यू हमको निकल जाता है रूट के
क्यू अपॉन एम इंटू आर, ये आ गया। तो हमको वेलोसिटी पता हो गया, अबे क्या स्पीड इसका पता हो गया, ठीक है ना। स्पीड हमको निकालना था, स्पीड हम निकाल लिए, जो वैल्यू आया के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू आर। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है वह टाइम है। तो यहां से यदि चला और एक कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखो इस पॉइंट से चला पार्टिकल ऐसे मूव करके फिर इसी पॉइंट पर आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम पीरियड के लिए यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा है ना, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, अगर यहां से आएगा सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, यहां से चला और यहीं आ गया, तो यानी डिस्टेंस जो होगा वह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन, और स्पीड कितना आ गया v। तो ये जो आ गया हम लोगों का टाइम पीरियड आ गया, तो 2 पाई आर, और v का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, कितना किया बताओ, के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू आर का रूट, ये आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर है ना अपॉन रूट के क्यू क्यू, और एम आर जो है ये रूट में कहीं ऊपर चला जाए, ये आ जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड यहां निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड है ना 2 पाई आर, और एम आर जो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई आर रूट एम आर अपॉन रूट के क्यू क्यू। चाहे तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि और हो सकता है ना, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस केस में हमको टाइम पीरियड भी पता हो गया और स्पीड भी पता हो गया। ये हमसे पूछ रहा था स्पीड क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा। स्पीड का वैल्यू हमने हमारे पास कैलकुलेट करके आया के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू आर का रूट, है ना। ये कैसे हुआ, हमने सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल कर दिया। तो यहां तक हम समझते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लो, फिर आए क्वेश्चन करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन देखो, ठीक है, यह हमने क्या कर दिया, एक जो है ए पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, यहां कोई चार्ज रख लिया क्यू और यहां चार्ज रख लिया क्यू, है ना। और इसके कहीं मिड पॉइंट पर यहां कैपिटल क्यू चार्ज रख लिया, ठीक है ना। हम लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली इनिशियली चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजिशन। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड व्हेन, व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड, when it is displaced, displaced small distance, displaced by a small distance along AB and released, released, है ना। Find its time period when it is displaced by small distance along AB and released। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है। देखो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हम टाइम पीरियड निकाले थे, बट वहां सिचुएशन कुछ अलग था। वहां सिचुएशन ये था कि कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा था। अब यहां क्या है कि हम चार्ज पार्टिकल को पहले ये क्या रहा था, इसके सेंटर पर है, ठीक है ना। तो ये सेंटर पर है तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इसको हम थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे AB के अलोंग इस डायरेक्शन में, और फिर इसको रिलीज करेंगे। देखो कैसे है, इसको हम समझते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, हम यहां करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो
यहां क्या है कि यहां चार्ज पार्टिकल है क्यू, यहां भी है क्यू, और यहां जो है पहले इसका पोजीशन कहीं यहां था, है ना, यहां था, और हम इसका कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास जो आएगा है ना, ये हम डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लिए एल, है ना, और यहां से यहां तक भी एल, ऐसे कुछ इस तरह का डिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास है यहां चार्ज जो क्यू है, क्यू चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस क्या है एल है, और यहां डिस्टेंस क्या है एल, ऐसी सिचुएशन हमको दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिस्प्लेस करेंगे ए बी के अलावा, मतलब ये ए पोजीशन है और ये क्या है बी पोजीशन, तो ए बी के अलावा हमको डिस्प्लेस करना है, किधर ए बी के अलावा क्या करना होगा, यहां से इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस पॉइंट पर कर दिया, है ना, यहां कर दिया, बोलो यहां से डिस्प्लेस करके यहां कर दिया, तो कितना डिस्टेंस, मान लो हम एक्स डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करी, कितना एक्स, एक्स डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस करके यहां कर दिया, तो यहां से जब डिस्प्लेस हो गया तो अब पहले इसका पोजीशन यहां था तो इक्विलिब्रियम में था, जैसे ही यहां आ गया तो इस चार्ज से और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस पहले टोटल एल था, एक्स माइनस हो जाएगा, अब यही डिस्टेंस लेंगे ना, इस चार्ज कैपिटल क्यू और जो बी पोजीशन पर चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हमको लेना हो तो क्या करेंगे, ये टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे, यानी आ जाएगा एल माइनस एक्स, यही आ जाएगा, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ए पोजीशन से इस पोजीशन का चार्ज हम निकालना, डिस्टेंस निकालना चाहें, देख लो ए पोजीशन से मतलब जहां चार्ज स्मॉल क्यू है, इस पोजीशन से अब क्यू का जो नया पोजीशन आया, इस पोजीशन का डिस्टेंस हम निकालना चाहें, तो एल तो हमें पता है एक्स ऐड हो जाएगा, यानी आ जाएगा एल प्लस एक्स, कितना जाएगा एल प्लस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो आ जाएगा एल माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा एल प्लस एक्स, क्लियर है यहां तक। अब हमको क्या करना है, देखो अब ए पोजीशन इसका नहीं रहा, अब हम इसको जैसे ही छोड़ देंगे तो इधर का फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो ये फिर इधर आएगा, फिर यहां से क्या होगा, यहां आके रुकेगा नहीं, फोर्स यहां से देखो ऐसा है कि जैसे ही यहां फोर्स लगा तो इधर का फोर्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां कम है, तो ये फोर्स लगाएगा तो ए अब चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही यहां आएगा तो यहां नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ये मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहां कवर करेगा, तो कहीं यहां आ जाएगा, यहां नहीं रुक के इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो यहां जैसे ही आएगा तो अब इधर का फोर्स कम हो जाएगा, इसकी वजह से फोर्स यहां कम लगेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस अब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अब इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, यदि यहां आ गया तो इस चार्ज से अब डिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, यानी अब जो ये चार्ज है, जो ये पोजीशन पर चार्ज है, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इस पर, इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इधर मूव करना शुरू करेगा, तो इस पोजीशन पर नहीं रुक के फिर जो है इस पोजीशन पर जाएगा और फिर वही रिपीटेशन होते रहेगा, यानी ये चार्ज जो है ऐसे मूव करते रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ऐसे मूव करते रहेगा, इसकी ऑसिलेशन होती रहे, ठीक है ना, तो उसी का हमको टाइम पीरियड निकालना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात समझ गए, हमें उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है ना, तो यहां हमने कर लिया बहुत सिंपल। चलो अब हमने क्या करना है, हमें चार्ज फोर्स निकालना, कैसा करते हैं कि हम लोग इस बार फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, क्या आता है देखो कि ये जो चार्ज है पहले यहां तो रहा नहीं, अभी इसको हम लोग इस पोजीशन को हटा दें, इस पोजीशन को हटाई देते हैं ना, तब और अच्छे समझ में आएगा, ये पोजीशन नहीं रहा, इसका अब नया पोजीशन आ गया, पहले इस पोजीशन पर था ये, लेकिन अब इस पोजीशन पर आ गया, है ना, तो ये जो है बी पॉइंट पर जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्शन होगा, तो बी पोजीशन पर जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो फोर्स लगाएगा नहीं, हमने बताया डायरेक्शन के लिए, ये क्यू चार्ज जिस पर हमको फोर्स निकालना है ये कहीं फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसको हम साइलेंट कर लिए, अब ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे समझो कि यह साइलेंट है, ये ऐसे दौड़ते हुए आएगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी यहां जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो कहीं ऐसे हो जाएगा, है ना, इसको अपन मान लें एफ बी, बी हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बी का मतलब हुआ कि बी पोजिशन पर जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है, एफ बी हमने मान लिया, तो एफ बी हम यहां लिख लेते हैं फोर्स ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी क्या जाएगा के, है ना, क्यू इंटू क्यू अपॉन
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों का बीच का डिस्टेंस अब जो हो गया एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एफ बी हमें पता हो गया, बोलो एफ बी हमें क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। जैसा मैंने बताया कि जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है वह चार्ज कहीं भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा, ये दिमाग में रखना है। यानी क्लियर है कि ये चार्ज कहीं फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसा मान के चलना है डायरेक्शन के लिए, है ना। ये चार्ज कहीं फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये चार्ज और ये चार्ज में रिपल्शन होगा, यानी ये अपने पोजिशन पर है, ये चार्ज कहीं इस डायरेक्शन में जाके इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा अलोंग बी, इस डायरेक्शन यहां से ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, ये डायरेक्शन जो हो जाएगा इसको हम मान लेते हैं एफ ए, है ना। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, हम यहां लिखेंगे फोर्स, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए, है ना। एफ ए का वैल्यू हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन, यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आया है एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम एक बार फिर से यहां लिख लेते हैं के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर यही आ गया, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी चीज को यहां लिख लिए, क्लियर हो जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा में लिख लिए, समझ में आ रहा हूं। तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर है भाई। तो हमने एफ बी और एफ ए निकाल लिया। अब यहां देखो हमको नेट फोर्स निकालना है। पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि एक चार्ज पर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्ट करे तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स निकालना होगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स जो होता है वह वैक्टर सम होता है। तो इसको हम लोग ऐड तो करेंगे बट वैक्टर मेथड से ऐड करेंगे। तो वैक्टर मेथड कैसे ऐड करते हैं, बहुत सिंपल है, यहां देखो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमने दोनों चीजें बताई हुई है पहले के लेक्चर में। बाय द वे हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, है ना, एफ बी माइनस एफ, एफ बी का वैल्यू देखो हमने क्यों लिखा एफ बी माइनस एफ ए, इसको हम चाहे तो वेक्टर से भी लिख सकते हैं, एक बार बता भी देते हैं, है ना। देखो वेक्टर कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस टू एफ ए एफ बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन, तो एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर और कॉस 180 तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एफ ए इंटू एफ बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी रूट में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी या एफ बी माइनस एफ ए, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यही चीज मैं लिख रहा था, तो यहां हमको लिख लेंगे एफ बी माइनस एफ ए का होल स्क्वायर का रूट अपॉन, तो अब हमारे पास आएगा एफ बी माइनस एफ ए, यही आ जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, यही चीज हम लिख रहे थे इसको स्टार्टिंग में। तो ये कैसे है, वेक्टर मेथड से हमें पता है, ठीक है ना, हम देख लेते हैं इसको। तो वेक्टर मेथड से यहां, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा, एफ बी का फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि एफ बी का डिस्टेंस कम है इस चार्ज से, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स एफ बी माइनस एफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम इसको एफ बी माइनस एफ ए लिख लिए और हमने दिखा दिया कैसे हुआ है ना। इसको चाहे थोड़ा अच्छा से और कर सकते हैं, एफ ए और एफ बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई। एफ बी का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, एफ बी का वैल्यू आया है, हम देख लेते हैं एफ बी का वैल्यू क्या है। एफ बी का वैल्यू आया है के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर और के एल प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ। चलो तो हम यहां लिखेंगे के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर, एल माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर। हम चाहे तो इतना नहीं लिख के, इतना कंसेप्ट हमको आ गया है कि हम डायरेक्ट एफ बी माइनस एफ ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट ये आता है वेक्टर मेथड से, ये मेथड हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना।
बाय द वे, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी फिर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ लिखे के क्यू एल माइनस एक्स के स्क्वायर, ऐसा करते हैं के क्यू क्यू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, वन एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस वन एल प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आया, हमने के क्यू क्यू कॉमन ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, यहाँ लिख सकते हैं के क्यू क्यू, है ना, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर और एल प्लस एक्स का स्क्वायर, यही एलसीएम हो गया। बोलो भाई, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एल माइनस एक्स का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एल प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एल प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं के क्यू क्यू और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अपन इसको ब्रेक करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एक्स, है ना, और इसको लिख सकते हैं माइनस एल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में कर लें एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हमने इसको ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और डिवाइडेड बाई, यहां देखो यहां ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख लें क्या, एल माइनस एक्स एल प्लस एक्स, है ना, और ये टोटल का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखो एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स और टोटल का होल स्क्वायर कर ली, हम इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। देखो अब हम यहां लिखेंगे के क्यू क्यू, है ना, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एक्स और माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाय, अब यहां देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। बोलो, ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमने इसको स्क्वायर कर लिया। अब यहां देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टू एल एक्स अपन ऐड कर लेंगे, तो इसको हम लोग यहां तक तो समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, ऐसी मैथमेटिक्स है ना, कैलकुलेशन है केवल। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं, तो नेक्स्ट पेज हमारा आएगा के, हम यहां लिखेंगे के क्यू क्यू, है ना, फोर एल एक्स अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां के, देखो के क्यू क्यू, है ना, और यहां टू एल एक्स ऐड हो गया फोर एल एक्स, और बाकी जैसे टर्म है वैसे ही हमने रख दिया, है ना, तो यही आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फोर के क्यू इंटू क्यू, है ना, एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल, यदि एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल हो, है ना, एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल का मतलब यहां देखो, यहां जो है एक्स का वैल्यू देख रहे हो, ये एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल है एल के कंपेरिजन में, तो क्या हो रहा होगा, है ना, तो यहां जो है इस केस में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग हम लोग एल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लगभग जीरो मान लेते, है ना, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है, ऐसे देख लो, जैसे हम यहां लिखे 0.001 इज वेरी वेरी लेस देन 20, ऐसे कर ले, अब इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 400 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलो, इसका वैल्यू और कम हो जाएगा 0.0000, ऐसे करके कुछ आएगा, है ना, तो फिर इस केस में क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यही हमने किया। तो हमने किया है कि यदि एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग एल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां जो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसको देखो, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ नेट इजिकल टू, है ना, फोर के क्यू क्यू एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल का पावर फोर, क्योंकि यहां बच गया एल स्क्वायर और एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एल टू दी पावर फोर आ जाएगा, क्लियर है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा,
तो 4k क्यू क्यू अपॉन एल क्यू आई इंटू एक्स, यही आ गया एफ नेट, है ना। तो यहां हमने क्या दिखाया था, यहां देखो, यहां था q और यहां था q और यहां कहीं चार्ज q रखे थे, एफ बी इधर था और एफ ए इस डायरेक्शन में था, है ना। अब नेट जो था हमारा इस डायरेक्शन में आ, नेट फोर्स इधर, लेकिन ये डिस्प्लेस किधर हो रहा था, इस डायरेक्शन में, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो था, किसका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, एक्स का, इस डायरेक्शन में है, जबकि एफ नेट इस डायरेक्शन में आएगा, एफ बी माइनस एफ ए किए हैं तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, यानी नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। हमने चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया है, बट इस पर नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर है, यानी डिस्प्लेसमेंट और चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4k qq अपॉन lq, है ना, 4k qq अपॉन lq, ठीक है ना। तो हमने हमने लिखना है lq i into minus x, minus x क्यों किया, समझ में आया, माइनस एक्स ये शो करता है कि एफ नेट और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग यहां देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहां इसको हटा देते हैं, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहां देखो, तो यानी क्लियर है कि यहां जो निगेटिव डायरेक्शन ये शो करता है, एफ यदि माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए तो ध्यान होगा एसटीएम का केस होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यहां देखो, तो हमारे पास जो आ जाएगा फॉर एस एच एम, एस एम का कंडीशन क्या है, ठीक है ना, एफ नेट इजकल टू माइनस के डैश, ऐसे लिख लें, एफ नेट इजकल टू, एफ नेट इजकल टू के डैश मान लें और माइनस एक्स, यही होता है, ठीक है ना, एस एम के लिए। तो अब ये इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन को सेकंड मान लें, तो फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, के डैश के पोजीशन पर ये टर्म आया, हम लिख सकते हैं के डैश इजकल टू 4k क्यू इंटू क्यू अपॉन एल क्यू, यही आ गया। ये देखो, देखो इसको कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो हमारे पास के डैश का वैल्यू आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, 2π एम अपॉन के डैश, यही होता है, ठीक है ना। जनरली के होता है, बट के यहां कॉन्स्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कॉन्स्टेंट टर्म के आ रहा है, तो हमने इसको के डैश मान लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फार्मूला बन के आएगा टाइम पीरियड का, 2π एम अपॉन के डैश। अब के डैश हम यहां निकाल चुके हैं, अब इसके डैश का वैल्यू हम लोग रख लेंगे, तो यहां रख लेते, बहुत सिंपल है, यहां रख लो, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2π m अपॉन और k डैश का वैल्यू आया 4k q i इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय l q का, और ये टोटल का रूट हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे तो 2π a टर्म ऊपर चला जाएगा, l q इंटू m अपॉन 4k q q का रूट, यही आएगा टाइम पीरियड जो हमसे पूछ रहा था, यही आंसर होगा, है ना। हमसे पूछ रहा था कि टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड यहीं आएगा, ठीक है ना, समझ में आई बातें, उम्मीद करते हैं सबको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना, क्या आता है, देखो जैसे यहां हमने क्या किया, इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया एक्स डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा जो आ गया एल माइनस एक्स, और ए पॉइंट पर जो चार्ज है उससे आ गया एल प्लस एक्स, इसकी वजह से फोर्स निकाला इस डायरेक्शन में, बी के क्यू आई इंटू क्यू अपॉन ए डिस्टेंस के स्क्वायर, उसी तरह एफ ए निकाला के क्यू क्यू अपॉन और ए डिस्टेंस एल प्लस एक्स के स्क्वायर, नेट फोर्स हमने निकाल लिया, नेट फोर्स यहां निकाल लिया, तो आया एफ बी माइनस एफ ए, और एफ बी और एफ ए का वैल्यू रख के ये सॉल्व किए, तो हमारे पास रिजल्ट ए आ गया एफ नेट का। अब यहां हम क्या देख रहे थे, हम यहां ये देख रहे थे कि यहां जो चार्ज है, सॉरी यहां नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हम इसको शो करने के लिए माइनस एक्स कर सकते हैं, माइनस ए शो करता है कि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां से हमने के डैश निकाल लिया और फिर इस फार्मूला का यूज किए। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है, 2π m अपॉन, यहां लिखे 2π m अपॉन के डैश, के डैश का वैल्यू यहां रखें, तो हमारा रिजल्ट आ गया टाइम पीरियड का,
हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर आएगा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझो, है ना, इसको हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, देखो कि यहां हमने ए ले लिया और यहां ले लिया बी, है ना। ए पर जो चार्ज रख रहे हैं, ए पर जो चार्ज है, ए और बी, ए पर जो चार्ज है -40 माइक्रोकुलम और बी पर चार्ज है 20 माइक्रोकुलम, है ना। ए पर जो चार्ज है वो कितना, ए पर जो चार्ज है -40 माइक्रोकुलम और बी पर जो चार्ज है 20 माइक्रोकुलम। इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 3 और 2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 6 और 3, ऐसे कुछ करके, है ना, 6 और 3। तो हम लोग निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट बी फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू बी, है ना, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू ए, ठीक है ना। हम यहां लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे कैप, है ना, आई एंड जे कैप के टर्म में हमको निकालना है फोर्स जो है, बी पर भी निकालना है और ए पर भी निकालना है, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको देखते हैं ना। हमारे पास क्या, देखो यहां जो ए पर दिया है पोजीशन जो दिया है इसका कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3 और 2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6 और 3, है ना। ए पर जो चार्ज का वैल्यू दिया है -40 माइक्रोकुलम और बी पर जो चार्ज का वैल्यू दिया है 20 माइक्रोकुलम। हमको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू ए, तो ए के द्वारा बी पर हमको निकालना। तो हम पिछले क्लास में ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसका पोजिशन वैक्टर निकालेंगे। तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो आर ए, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, है ना, फिर भी हम बता देते हैं, आर ए इज इक्वल टू, है ना, हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई डायरेक्शन में जे और जेड डायरेक्शन में होता है के यूनिट वेक्टर, ये सभी को पता होगा। तो यहां जो कोऑर्डिनेट दिया है 3, जब इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 3 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एक्स में है तो एक्स में यूनिट वेक्टर होता है आई, तो हम लोग यहां लिखेंगे 3 इंटू आई प्लस 2 जो है वाई का कोऑर्डिनेट है तो वाई में होता है जे, तो हम यहां लिखेंगे 2j, ये आ गया। उसी तरह हम बी का पोजिशन वैक्टर निकालें तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू आई और प्लस 3 इंटू जे, यही आएगा। अब हम लोग क्या करना है कि हमको निकालना है फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे एफ मतलब फोर्स एट बी ड्यू टू ए, क्या लिखते थे बताओ, के, है ना, और क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर बी माइनस आर ए का होल क्यू इंटू आर बी माइनस आर ए, यही लिखते थे, बोलो यही आता था हमारे पास, हम पिछले क्लास में इसको बताए हुए। अब हमारे पास देखो क्या है, आर बी माइनस आर ए मतलब हम बताए थे कि जिस चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना है, तो हमको बी पर निकालना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर दी, तो आर बी माइनस आर ए निकालें, आर बी माइनस आर ए इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं ना, तो आर बी माइनस आर ए, आर बी का वैल्यू हमको पता है 6i प्लस 3j और माइनस आर ए का वैल्यू कितना पता है 3i प्लस 2j, है ना, तो हम लोग 6i में से 3i माइनस करेंगे तो 3i और 3j में से 2j माइनस करेंगे तो जे, ये आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें, आर बी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर का रूट, यही हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा √10, ये आ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पता है, वेक्टर पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो जानो, हम बता दे रहे हैं कि आई के कोफिशियंट का स्क्वायर करते हैं जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो,
और प्लस करेंगे, फिर j के कोफिशियंट का स्क्वायर करेंगे और उसका रूट ले लेंगे। तो i का कोफिशियंट यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, j का कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, तो टोटल कितना आ गया √10। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और आरबी माइनस आर ए निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग अब निकालते, इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हम रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में क्या आता है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ बी ए, एफ बी ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा के क्यू, क्यू वन इंटू क्यू टू, यही है ना। तो क्यू वन, ये ध्यान रखना है कि यहां क्यू वन और क्यू टू का जो वैल्यू रखना है ना वो साइन के साथ रखना है। जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, क्यू वन और क्यू टू का पॉजिटिव वैल्यू रखते थे, बट यहां क्या करना होगा हमको साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। बाय द वे हम लोग यहां लिखेंगे के क्यू वन का वैल्यू हम मान लेते हैं 40, तो माइनस 40 इंटू 10 to the power -6, माइक्रो है ना, कूलम में कन्वर्ट कर ली, इंटू 20 है ना, इंटू 20 इंटू 10 to the power -6 है ना, और डिवाइडेड बाई आरबी माइनस आर ए का होल क्यू। देखो यहां क्लियर है, यहां क्या है आरबी माइनस आर ए का होल क्यू है ना, तो आरबी माइनस आर ए क्या है, √10 है, तो हम रखेंगे √10, तो √10 का होल क्यू इंटू आरबी माइनस आर ए, हमने निकाला था 3i + j, ये आ गया। क्लियर? तो हमारे पास आ जाएगा के का वैल्यू, रखो 9 इंटू 10 टू द पावर के का वैल्यू, और यहां माइनस कर ले 40 × 10⁻⁶ इंटू 20 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10√10, ये आ जाएगा ना, ठीक है ना, इसका आ जाएगा 10√10, रूट तीन बार करो √10√10√10, तो आ जाएगा 10√10 और हो जाएगा 3i + j। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां देखो यहां तो माइनस रहेगा और 10⁻⁹, 10⁻⁶, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, यह आ जाएगा 9 × 40 × 20 × 10⁻⁶ और 6 × 6 -12, 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3 है ना, और डिवाइडेड बाय 10√10, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 36, 9 × 4 = 36, और यहाँ 1 शून्य है, यहाँ 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, एक मिनट इसको फिर से करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से 9 × 4 कर लिया, × 2 कर लिए, × 10⁻⁶ है ना, -3 है और यहाँ एक 0 है, तो ये हो जाएगा -2 और डिवाइडेड बाय √10 है ना, और ये 3i + j रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, 3i + j है ना, यह आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बोलो, 72 यह आ जाएगा, 72 ठीक है ना, 72 × 10⁻², डिवाइडेड बाई √10 है ना, और यह हो जाएगा 3i + j, यह आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस में होगा, ध्यान रखना ये माइनस में होगा, यहाँ माइनस है, मिस हो रहा था, तो हो जाएगा -72 × 10⁻², √10 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर √i है ना। अब माइनस देखो, ये माइनस और ये प्लस, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 72 × 10⁻², √10 × j, ये आ गया। तो i और j के टर्म में हमको पता हो गया है ना, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई और कर सकते हो, √10 का वैल्यू रखे कोई दिक्कत नहीं, या यहां तक भी छोड़ दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आ गया 3i + j, मतलब ये i और j के टर्म में हमको पता हो गया। हमें क्या समझना था, देखो एक बार हम फिर से बताते हैं, यहां देखो यहां हमें क्या करना था, b पर निकालना था, तो ये पोजीशन समझ में आ गया, आरबी माइनस आर ए का होल क्यू हमको करना था, हमने कर दिया, आरबी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, ये सब रख लिया, और इसको सिर्फ कैलकुलेशन है, हमने इसको क्यूब किया तो 10√10 आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ 3i + j आया था, तो 3i + j से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो i और j के टर्म में हमारा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमको फोर्स निकालो ए पर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू बी, इस पर निकालना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी दिखाते हैं, बहुत सिंपल है।
ठीक है ना। तो यहां तक आप नोट कर लो, फिर जो है बी पार्ट हम लोग करते हैं ना, सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहां देखो सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, कह रहा है कि हमको बी पर निकालना, सॉरी ए पर निकालना है। तो एफ ए बी लिख लें, एफ ए बी इजकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ए माइनस आर बी है ना। हम क्या बताए थे कि जिस पर हमको फोर्स निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे। हमको निकालना है ए पर, तो ए के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आर ए माइनस आर बी है ना, ए आ जाएगा। तो हमारे पास के का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 है ना। या फिर ऐसा करते हैं इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान के पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आर ए माइनस आर बी क्या आ जाएगा। तो आर ए माइनस आर बी निकाले है ना, तो आर ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देख लेते हैं आर ए का वैल्यू कितना था है ना। आर ए का वैल्यू था 3i प्लस 2j और माइनस 6i प्लस 3j है ना, 3i प्लस 2j ठीक है ना, 3i प्लस 2j माइनस 6i प्लस 3j यही था, चेक कर लो, बहुत सिंपल 6i प्लस 3j ठीक है। तो 6i प्लस 3j तो हमारे पास जो आ जाएगा इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3i और ये हो जाएगा माइनस j यही आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, आर ए माइनस आर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। हमने बताया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i के कोफिशियंट का स्क्वायर करेंगे और फिर j कोफिशियंट का स्क्वायर करेंगे। i का कोफिशियंट माइनस 3 का स्क्वायर, j का कोफिशियंट माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है, का रूट ले लो तो ये आ जाएगा रूट 10 है ना। अब हम इस सेकेंड जो इक्वेशन हमने बनाया है इस सेकेंड इक्वेशन में सभी का वैल्यू हमको पुट कर लेना है, फिर हमको रिजल्ट आ जाएगा। हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ ए बी है ना, एफ ए बी के का वैल्यू रखो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू वन, क्यू वन कितना हो जाएगा माइनस 14 10 टू दी पावर माइनस 6, क्यू टू कितना हो जाएगा बोलो 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 है ना, डिवाइडेड बाय है ना ये आ गया। और यहां आर ए माइनस आर बी हमने निकाला है माइनस 3i माइनस जे है ना, माइनस 3i माइनस जे और हो जाएगा 10 रूट 10 का होल क्यूब। तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो जाएगा माइनस यहां माइनस है ना 9 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, जैसे पहले में आया था ये हो जाएगा 10 रूट, ये 10 आया था ना, रूट 10 यहां होगा, 10 रूट 10 नहीं, यहां रूट 10 है तो हम इसको रूट 10 पहले लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद आता है 10 रूट 10 है ना, ये क्यूब तो आ जाएगा 10 रूट 10 है ना, और ये हो जाएगा माइनस 3i माइनस j। तो आप इसको सॉल्व आप कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया था, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये जाएगा 72 i इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 10 और माइनस 3i माइनस j यही आ जाएगा। चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आई और जे के टर्म में कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें हम लोग समझ गए कि हमको जब बी पॉइंट पर फोर्स निकालना था तो हम लोग बी में से ए को माइनस किए थे, इस केस में ए पॉइंट पर निकालना है तो ए में से बी के पोजिशन वैक्टर को माइनस करेंगे और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको आप नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बहुत सिंपल है कि अगर हम देखो यहां क्या करते हैं कि एक जो है दो स्ट्रिंग लेते हैं ना, इस तरह से इक्वल स्ट्रिंग है और यहां एक हमने स्फेरिकल बॉल को हैंग कर दिया ना, और ये क्या है वर्टिकल के साथ ठीक है एंगल थीटा बनाता है, ये दोनों ये थीटा ठीक है, और इसका मास है m और दोनों पर चार्ज है q ठीक है ना, दोनों पर चार्ज क्या है q है, समझना, इस पर भी चार्ज q है इस पर भी चार्ज q ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है। इसको पहले हमने वैक्यूम में रखा, कहाँ रखा वैक्यूम है ना,
अब हमारे पास क्या है, समझना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी सिचुएशन को है ना, हम लोग क्या करेंगे कि यहां लिख लेते हैं, या ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं किसी मीडियम में डाल दे, लिक्विड में डाल देते हैं। इस सिचुएशन को हमने क्या किया बोलो, ये मास एम है, इसका क्यू चार्ज है, इसका भी मास सेम है, क्यू चार्ज है ना, और एंगल सेम रहा, हमने यहां थीटा तो यहां भी थीटा है ना। अब इसको हमने लिक्विड में डाल दिया ऐसे करके है ना, ऐसे करके ये लिक्विड में डाल दिया, ये लिक्विड। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का, के है बोलो, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन। पहले क्या था, क्या देखो, पहले सिचुएशन ऐसा था कि दो बॉल हमने लिया, इसका भी मास सेम है भाई है ना, और चार्ज क्यों है, इसको हमने हैंग कर लिया एक स्ट्रिंग से, इक्वल लेंथ का दोनों स्ट्रिंग है, ध्यान रखना है, और वर्टिकल के साथ ये दोनों एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सेम सिचुएशन को कहीं लिक्विड में डाल दिया, और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, और इस पर चार्ज सेम है, सारी चीजें सेम है, ये सभी सेम रहे, बस लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हमें निकालना है फाइंड, फाइंड है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ बॉल इसका दिया हुआ 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसका वैल्यू दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ बोलो। तो ये हमारे पास आ गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, और 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है, हमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। इसका एक चीज ध्यान रखना है कि जब यहां से हम इसको लिक्विड में रखते हैं, उस केस में जो एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा था, उस एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एंगल ये दोनों सेम है, क्लियर है। अब यहां देखो, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखो है ना। अब यहां बहुत सिंपल है, हम ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे जो हमने अभी किया था, ठीक है, वैक्यूम में पाले है ना, यहां बॉल है, यहां भी है, और ये एंगल क्या है बताओ, थीटा, ठीक है ना। तो यहां हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे इसका, हम उम्मीद करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सबको आता होगा। तो यहां लगेगा एमजी फोर्स, वेट लगेगा, और इसमें लगेगा टेंशन टी, और भाई ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बोलो। तो इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है ना। कंपोनेंट के लिए हमें पता होना चाहिए वेक्टर में, कि अगर कोई वेक्टर ही है एंगल थीटा बनाता है, तो जिस लाइन के साथ बनाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा, ये ध्यान होगा आपको, ठीक है ना, वेक्टर में पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा कॉस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो देखो टी इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर टी साइन थीटा, यहां तक क्लियर है। अब देखो इस पर चार्ज क्यू है, और इस पर भी चार्ज क्यू है, तो दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा होगा। तो अगर हम इस पर फोर्स की बात करें, तो ये जो चार्ज है इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा है ना। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो टोटल सिस्टम है यह क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, समझो, ये टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के इक्वल होगा, और टी साइन थीटा एफी के इक्वल हो जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ना, क्लियर। अब हम लोग यहां लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम है ना, एट इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है ना, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड। तो हम ऐसा करते हैं यहां कि फर्स्ट बाई सेकेंड कर लेते हैं है ना, फर्स्ट बाई सेकेंड, तो टी साइन थीटा, ठीक है भाई, अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू
एफ ई अपॉन एम जी है ना, टी टी कैंसिल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा इजिकल टू एफ ई अपॉन एम जी आ गया। तो ए इक्वेशन को हम लोग थर्ड इक्वेशन मानेंगे, एफ ई अपॉन एम जी, क्लियर है। चलो तो ए हमने निकाल लिया जब ये वैक्यूम में था, अभी अपन को क्या करना होगा बताओ। अभी हमने कहा था सिस्टम को लिक्विड में डाल दिए, तो लिक्विड में डालेंगे तो क्या आता है देखो, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। जैसे यहां देखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यदि हम लिक्विड में डालें यहां है ना, ये लिक्विड में जैसे ही आएगा तो क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। यहां देखो, ये जो हमारे पास है, अब हम एफबीडी इसका भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो भाई एम जी लगेगा लगेगा, और थीटा का रहा सेम होगा, थीटा में कोई चेंज नहीं होना है, तो ए एंगल थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको लिक्विड में डालेंगे, ठीक है ना, ये लिक्विड है भाई, है ना, ये ध्यान रखना है, जैसे ही हम लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, किस पर, बॉल पर, और यह फोर्स को बोलते हैं अपन बॉयंसी फोर्स, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, अपथ्रस्ट कहो, बॉयंसी को, एक इधर लगाएगा, अपवार्ड लगाएगा, तो अपवार्ड फोर्स इधर लगेगा एफ बी, बॉयंसी फोर्स, है ना। या पढ़े होगे फ्लूड मैकेनिक्स में, जो नहीं पढ़े हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है, इलेवेंथ का वीडियो फ्लूड वाली आएगी, उसमें आप देख लेना। अभी आपको ध्यान ये देना है कि जहां फ्लूड रहेगा, लिक्विड रहेगा, वहां फोर्स लगेगा बॉयंसी फोर्स, और वह जो लगता है अपवार्ड डायरेक्शन में लगता है, क्लियर है यहां तक। अब यहां देखो, अब हमारे पास जो ये टेंशन है ये हो जाता है टी डैश, क्या हो जाता है टी डैश, टेंशन चेंज हो जाएगा क्योंकि लिक्विड में आ गया, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, टेंशन चेंज होगा, हमने इसको टी डैश मान लिया, इसका एक कंपोनेंट जो आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है, टी डैश इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा बोलो, टी डैश साइन थीटा। यहां तक क्लियर है सबको, परपेंडिकुलर क्या आएगा टी डैश साइन थीटा, तो हमने लिख लिया टी डैश साइन थीटा, है ना। तो हमने क्या किया बताओ, वेट लगाया डाउनवर्ड, बॉयंसी फोर्स लगा दिया अपवर्ड, अपवर्ड लगेगा क्योंकि ये लिक्विड में है, साथ ही साथ इसका जो टेंशन, अब पहले टी था, अब टेंशन चेंज हो जाएगा, हम उसको टी डैश मान लिए, तो टी डैश इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस कंपोनेंट होगा, तो टी डैश कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर टी डैश साइन थीटा, क्लियर है। यहां चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है ना, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन लगेगा, और यहां फोर्स जो होगा वह फोर्स क्या होगा, हम दिखा रहे हैं, यह फोर्स होगा एफ ई अपॉन के, क्यों होगा, क्योंकि हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं कि जैसे ही आप किसी लिक्विड में, किसी मीडियम में चार्ज को आप डालते हो तो फोर्स डिक्रीज करता है, कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, के टाइम्स, तो हमने यहां फोर्स को डिक्रीज करा दिया। पहले जो फोर्स था, देखो पहले फोर्स था एफ ई, अब जो फोर्स आ गया क्या आ गया, एफ ई अपॉन के, यानी अब फोर्स डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। अब हम लोग इक्विलिब्रियम के केस में क्या लिखते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम केस में देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को बैलेंस कर रहा होगा, और टी डैश साइन थीटा एफ ई अपॉन के को, मतलब इधर का फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ए फोर्स इसको बैलेंस करेगा, क्लियर है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास हम लिख सकते हैं टी डैश साइन थीटा इजिकल टू एफ ई अपॉन के, है ना। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा थर्ड हो गया, इसको अपन फोर्थ मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इक्वेशन। अब इसको देखो, यहां हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी इजिकल टू एम जी, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्ड फोर्स हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और एफ बी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि एफ बी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी इजिकल टू एम बी, यहां प्लस लिख लेते हैं, इजिकल टू एम जी, तो यहां से आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा इजिकल टू एम जी माइनस एफ बी, ये आ गया, इसको अपन फिफ्थ इक्वेशन मान लें। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि फोर्थ में, ठीक है ना, फोर्थ बाई फिफ्थ इक्वेशन कर देते, डिवाइड कर दिया, तो फोर्थ इक्वेशन क्या है, देखो टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा इजिकल टू, यहां जो हमारे पास है एफ ई अपॉन के अपॉन, है ना, एम जी माइनस एफ बी, यही है ना,
अब हमारे पास क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा टी डैश भाई, तो साइन अपॉन कॉस हमें पता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा जो आ जाएगा हो जाएगा एम जी एफ ई, सॉरी एफ ई था ना ऊपर में, तो हम यहां लिखेंगे एफ ई अपॉन के इंटू, है ना, के इंटू एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देख लो यहां जो हमारे पास है, देखो डिवाइड किया है, के नीचे आएगा तो एम जी माइनस एफ बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। तो अब इसको इक्वेशन हम लोग सिक्स मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स एंड सिक्स एंड, अब थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन यहां देखो एफ ई अपॉन एम जी, टेन थीटा यहां है एफ ई अपॉन एम जी थर्ड इक्वेशन में, उसी तरह से यहां देखो फोर्थ में है टेन थीटा, तो दोनों तरफ टेन थीटा इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग थर्ड मान लें, तो राइट साइड उधर क्या आ रहा था देख लेते हैं, थर्ड में, थर्ड में देखो इक्वेशन थर्ड में एफ ई अपॉन एम जी तो इक्वल हो जाएगा, है ना, तो यहां हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी इजिकल टू एफ ई अपॉन, है ना, के इंटू एम जी माइनस एफ बी, यही आ जाएगा। तो एफ ई और एफ ई तो कैंसिल हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एम जी इजिकल टू वन अपॉन के एम जी माइनस एफ बी, है ना। तो यहां हम लिखेंगे अगर k का वैल्यू निकालना चाहें तो a टर्म इधर आएगा, इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी, है ना। अब वैल्यू रखते अपन, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉल या सॉलिड कुछ भी कहो इंटू वी, ये मास हो गया इंटू जी, सेम आएगा यहां रो बॉल के लिए आई इंटू वी इंटू जी माइनस। अब बॉयंसी फोर्स का फार्मूला हमेशा ध्यान रखो, बॉयंसी फोर्स का जो फार्मूला होगा क्या होगा, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना आई इंटू वी इंटू जी, ठीक है ना, यहां डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये होता है बॉयंसी फोर्स का फार्मूला, भी ध्यान रखना। हम लोग क्या कॉमन हो जाएगा वी जी सभी में, तो वी जी कॉमन ले लो, नीचे वी जी कॉमन ले लो, तो ऊपर बच गया हमारा कितना रो बॉल के लिए अपॉन नीचे रो बॉल के लिए और माइनस रो लिक्विड के लिए, यही बच गया। तो ए वी जी तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब वैल्यू रखो, रो बॉल के लिए कितना आया, बॉल के लिए दिया 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, यहां लिख लेते, यहां जाएगा के इज इक्वल टू 1.6 तो रहेगा और 1.6 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k का वैल्यू 2 आएगा, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसको देख लो, है ना, यहां था हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास दो बॉल था, चार्ज और मास इक्वल वैक्यूम में रखा, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा था, इसके बाद हमने इसको लिक्विड में रखा था और एंगल सेम था, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ लिक्विड में रखने के बाद, तो हमें के का वैल्यू पूछ रहा था कि क्या आएगा, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाला, टेंशन टी एम जी डाउनवर्ड लगेगा, इसका दो कंपोनेंट बनेगा टेंशन का, जिसके साथ एंगल बना रहा है टी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा और दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, इक्विलिब्रियम के केस में ए फोर्स इसके इक्वल, ए फोर्स इसके इक्वल हमने कर दिया, दोनों को डिवाइड किया तो यहां से एक इक्वेशन बना। उसी तरह से इस केसेज में हमने क्या किया बताओ, हमने वेट लगाया एम जी, टी डैश इधर लगा जिसके साथ एंगल बना रहा है कॉस कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर टी डैश साइन थीटा, और यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बट यहां इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करेगा क्योंकि हमने मीडियम में रखा है, तो एफ ई अपॉन के रख दिए, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया तो यहां से टेन थीटा हमको निकल के आ गया, टेन थीटा हमको निकल के आ गया, है ना, एफ ई अपॉन ए रिजल्ट आ गया। टेन थीटा का वैल्यू थर्ड इक्वेशन से रख लेते हैं एफ ई अपॉन एम जी, इसको अपन सॉल्व किए और ये ध्यान रखना है मास इजकल टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और एफ बी का वैल्यू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी, इसको सॉल्व किए तो हमारे पास के का वैल्यू 2 आ गया। हमें उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा, तो आप पहले इसको नोट कर लो फिर आगे की बात करते हैं ना। ठीक है ना,
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमने कर लिए हैं। अगर मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर मिसिंग हुआ होगा तो उसको अपन कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप इसको देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे वीडियोज इसमें आ जाएंगे, सभी चीज़ें आ जाएंगी, आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कोई भी फोर्स का क्वेश्चन आप करोगे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।